हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे चिकन काले मिर्च। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसे घर पर बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें एक पैन ले लेना है, उसमें 2 चम्मच काली मिर्च डालनी है। इसे हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। काली मिर्च भुन चुकी है, अब हम इसे खल्लड़ में डालेंगे। हमें इसे दरदरा कूट लेना है। इसे हमने कूट लिया है। हमने बाउल ले लिया है, उसमें हम चिकन के सारे पीसेस डाल देंगे। चिकन को हमें मैरिनेशन के लिए रखना है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, दही डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमें इसे मिक्स कर लेना है। हम इसे मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने मसाले ले लिए हैं। 2 चम्मच दही, लहसुन और अदरक, 2 चम्मच मलाई, खड़े मसाले, 2 कटा हुआ प्याज। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है काजू। हमने काजू को सोक करके ले लिया है। हमें पैन में ऑयल डालना है। तेल को हमें गरम कर लेना है। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। इन्हें थोड़ा भून लेंगे। हमारे मसाले भून चुके हैं, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को चला देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पर थोड़ी देर भुनना है। हमें इसमें सोक किए हुए काजू को डालना है। काजू को हमने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। ये हल्का भुन चुका है, हमें इसमें पानी डालना है। हम इसे ढककर कुछ देर के लिए पका लेंगे। ये पक चुका है, इसे हम ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे। ये ठंडा हो गया है, हमें सारे खड़े मसाले निकाल लेने हैं।
इसे हम जार में डालेंगे। हमें इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। मैंने पेस्ट बना लिया है। हमें पैन लेना है, इसमें 2 चम्मच ऑयल डालना है और 2 चम्मच घी डालना है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हमने जो पेस्ट बनाया था उसे हम डाल देंगे। इसे थोड़ी देर पका लेंगे। ये पक चुका है। हमने जो चिकन मैरिनेशन के लिए रखा था इसे निकाल लेंगे। ये मैरिनेट हो गया है। हमने जो चिकन मैरिनेशन के लिए रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हम ढककर थोड़ी देर के लिए पकने को रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे चला लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो मीडियम ही रखना है। अब इसमें हम 2 चम्मच मलाई डालेंगे। एक चम्मच दही डालेंगे। नमक डालेंगे। थोड़ी सी कुटी हुई काले मिर्च डालेंगे। इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं। हमारा चिकन पक चुका है। इसे हम थोड़ा चला लेंगे। इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। इसे ढककर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा चिकन रेडी हो गया है।
चिकन बहुत ही अच्छे से पक चुका है। चिकन की ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। ये रेसिपी बनाने में भी आसान है, इसे आप पराठे के साथ खाएं या रोटी के साथ, ये सभी के साथ अच्छी लगती है। हम आपके लिए ऐसे ही खाने के अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।